वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपको मेथी के थेपले बता रहे हैं। अगर आप कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, यात्रा पे जा रहे हैं, तो ये परफेक्ट रेसिपी है और गुजराती लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। एक्चुअल में ये गुजराती डिश है। तो ये देखिए, मैंने इसमें नमक ले लिया है स्वाद के अनुसार, 1 टेबल स्पून। मैंने लाल मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून जीरा है और 1/4 से थोड़ा कम ऑयल है। 1/4 कप आप ले सकते हैं। मैं थोड़े ज्यादा बना रही हूँ क्योंकि ज्यादा लोग मेरे यहाँ खाने वाले हैं आज। तो ये है 2 कप आटा, इसी सभी में मैं डाल रही हूँ। और आप ये अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट भी देख रहे हैं, 1 इंच अदरक और 1 हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च कम ज्यादा कर सकते हैं। इनको मैंने कूट लिया है, आप पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। तो 2 कप हम ले रहे हैं आटा और 1/2 कप हम ले रहे हैं इसमें बेसन। पहले हम ये ड्राई इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हम इसको मिक्स कर रहे हैं और जहां पे मैंने जीरा पाउडर बोला है वहां धनिया पाउडर है वो, क्योंकि क्या है कि जीरा हम साबुत डाल रहे हैं और वो धनिया पाउडर है। तो अब हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, अदरक को, हरी मिर्ची को, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ले रहे हैं 1/4 कप दही और ये 1/4 कप ही ऑयल ले रहे हैं हम। अच्छे से मिक्स करेंगे इन सबको, बहुत बढ़िया बनने वाले हैं। आप इनकी हाफ क्वांटिटी ले सकते हैं शुरू में। इसमें मैं आपको क्वांटिटी मतलब नंबर बता दूंगी कि कितने थेपले बनते हैं। अब मैं इसमें देखिए, मेथी को हमने बहुत अच्छे से धो लिया है। मेथी में क्या है, रेत होता है पत्ते की सब्जी में, तो अगर आप धोने में मेहनत नहीं करेंगे तो वो किरकिर मुंह में आएगी। तो हमेशा हरे पत्ते की सब्जियों को बहुत अच्छे से धोइए। हल्का सा हमने उसको फिर फैला लिया, उसको सूखने के बाद काट लिया है इस तरीके से बारीक। तो कटने के बाद ये मेरी करीब 2 कप मेथी है, ठीक है ना। ये देखिए 2 कप, मैं ऐसे बता रही हूं कि 2 कप मेथी ये हो गई है ऐसे दबा के, यानी काफी सारी मात्रा में मेथी है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि मेथी गीली नहीं है। अगर गीली होगी तो आपको पानी बहुत ध्यान से इसमें डालना होगा। हमारी ज्यादा गीली नहीं है तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को लगा लेंगे। अब देखिए, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, जिसमें हमने मेथी काटी थी उसी बाउल में पानी डाला है। ये थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका आटा लगाएंगे, सॉफ्ट आटा लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे मिक्स करते जाएंगे अच्छे से। ये देखिए, पानी डालते ही हल्दी का कलर दिखना शुरू हो गया है। ऐसे हम चारों तरफ से इसको मिला के ऐसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, बस ध्यान से आपको पानी डालना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में। मेरे जो चैनल है या जो रेसिपी आपको पसंद आती है वो जरूर शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की रेसिपी देख के सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, ऐसे हम इसको सारा आटा मिक्स कर लेंगे। बस इस तरह से हम इसको सारा इकट्ठा कर लेंगे, मिक्स करेंगे। ये हमने इकट्ठा कर लिया है, इस पे हल्का सा ये तेल लगा लिया है। देखिए कितने अच्छे से ये आटा लग गया है, कलर भी कितना सुंदर आया है। अब हम इसको ये बाउल में रख देंगे, 10 मिनट के लिए ही ढककर रखेंगे। ये देखिए, हमने 250 ग्राम दही लिया है, उसमें पानी डाल के उसको फेंक लिया है। और अब इसमें मैं ये 1/4 टीस्पून यानी 2 पिंच के करीब हल्दी डाल रही हूँ। बेसन लिया है, इसको भी हम साथ में मिक्स करके मिक्सी में चलाएंगे। देखिए, ये हमने अच्छे से इसमें हल्दी मिला ली है, नमक मिला लिया है और बेसन मिला लिया है। कोई भी लम्प्स नहीं है, अच्छे से विस्क कर लिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो मैं आपको ये भी एक साथ में बता रही हूँ, ये अच्छे से तड़क गया है। अब हम इसमें बेसन का घोल डाल रहे हैं।
और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ साथ चलाते जाएंगे और चलाते हुए हमें इसे पकाना है। थोड़ा सा पानी भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और 2.5 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड कर लिए हैं। कुछ हमने दही को लस्सी बनाते हुए ऐड किया था, जैसे कढ़ी बनाते हैं उतना पतला ही होना चाहिए। इसको लगातार हम चलाते रहेंगे जब तक एक उबाल आए, हमको लगातार इसको चलाना है, नहीं तो ये जो है फट जाएगी दही, इसलिए हमें लगातार इसको चलाते हुए पकाना है जब तक एक उबाल ना आ जाए। ये देखिए हमने इसमें 1 कप पानी और ऐड किया है, और आप चाहें तो हल्दी कम कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप की ये बन गई है। अब हमें इसे पकाना है, गैस को सिम कर देंगे, अच्छे से पकाएंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच शक्कर भी डालेंगे, ऑप्शनल है, गुजराती लोग शक्कर डालते हैं हर सब्जी में, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं अगर आपको हल्का सा मीठा नहीं पसंद है। और यहाँ आप 250 ग्राम दही के साथ 1/4 कप बेसन लीजिए। ये देखिए परफेक्ट, ये डाल रहे हैं हम इसमें 1/2 टीस्पून 3/4 टीस्पून शक्कर, चीनी, और इसको अच्छे से 2-4 मिनट और पकने देंगे। मैं इसमें आपको जीरा आलू भी दिखा रही हूं। ये देखिए मैंने 4 उबले आलू को इस टाइप से काट लिया है। पैन में हमने ऑयल को गरम कर लिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब हम इसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई, स्लिट करके काट दिया है उसको। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, क्योंकि ये जीरा आलू है तो हम 1 टीस्पून फुल जीरा डालेंगे। थोड़ा हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी इसमें डालेंगे ताकि कलर अच्छा आ जाए, ऑयल में ही डाल देंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें सीधा जीरा आलू में आलू डाल देना है हमको, अच्छे से मिक्स करना है। जब आप फटाफट कुछ सादा बना रहे हैं, थेपले के साथ जीरा आलू कढ़ी बहुत अच्छा जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए जीरा अच्छे से कोट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें चाट मसाला, ये ऑप्शनल है, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और इसको सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, आज मैं इसको ठंडा होने के बाद हल्का सा इसमें लेमन डालूंगी। आप चाहें तो अगर आपको हल्का खट्टा पसंद है तो यूज कीजिए, नहीं तो नहीं। अब हम इसको 2 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे और हमारी सब्जी रेडी। और ये देख रहे हैं आप, इधर हमारी साइड में कढ़ी भी बनकर बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार है। देखिए बहुत ही यम्मी, इधर जीरा आलू बन रहा है, और बस 2 मिनट और पकने देते हैं और थेपले बनाते हैं। ये देखिए जब तक हमने कढ़ी और आलू जीरा तैयार किया है, आटा रेस्ट हो गया है और बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें से लोइयां तोड़ेंगे और इसको चपाती की तरह बेलेंगे। ये हमने इसको आटे में डस्ट कर लिया है, अब हम इसको बेलेंगे। इसे डस्ट करने के बाद हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे, हल्का सा आटा लगाएंगे और इसको बेलेंगे चपाती की तरह, मगर ये पतली बनेगी। जैसे जो पराठा है मेथी का, हम थोड़ा मोटा बनाते हैं, बट ये थोड़ा पतला बेलेंगे हम। और यकीन मानिए बहुत बढ़िया लगते हैं ये, आपकी एक तरह से थाली तैयार है। इसको बिल्कुल पतला बेलेंगे और बहुत आसानी से बेल जाता है क्योंकि आटा बहुत अच्छे से लगा है। आप देखिए, ये देखिए बहुत पतला। तो इसको अब हम तवे पे डालेंगे और इसको सेकेंगे। अब दोनों तरफ से हमने इसको ऐसे सेक लिया है और अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे और पराठे की तरह ही सेकेंगे, और इसमें ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ऐसे ऑयल लगा देंगे, दूसरी तरफ भी ऑयल लगा देंगे।
बहुत यमी लगने वाला है, ट्राई जरूर कीजिएगा। आजकल यूट्यूब पे होने के कारण आप सभी प्रांतों की रेसिपी खा सकते हैं, बना सकते हैं, सीख सकते हैं, तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। देखिए इस तरह से कितना सुंदर कलर आया है, कितना अच्छा सिक रहा है। इसको हम चारों तरफ से ऐसे सेक देंगे, दोनों तरफ से इसको देख लेंगे और ये सिक गया है, इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब हम दूसरा पराठा नहीं सॉरी थेपला डाल रहे हैं और ये देखिए पास से कितना सुंदर कलर, कितना बढ़िया। तो दूसरा पराठा सेकते हैं, इसको पलट लेंगे, अच्छे से सिक गया है। सेम प्रोसीजर से घी लगाएंगे, दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। घी ऑयल मतलब मैं तो ऑयल लगा रही हूं, ऑयल लगाएंगे। और ये थेपले ट्रेवलिंग में बहुत अच्छे रहते हैं, बिल्कुल पतले पतले और बहुत ही बढ़िया। तो आप कभी भी ट्रेवल करें, गाड़ी से जा रहे हैं या आप ट्रेन से जा रहे हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए बहुत अच्छे से सिक गया है और अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। और ये देखिए हमारे जो, ये देखिए कितने पतले हैं, ये आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे, और आप अंदर से देख सकते हैं कितने, ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे और जल्दी सिक जाते हैं क्योंकि बहुत बारीक होते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं वो तो बिल्कुल आपके पापड़ की तरह बना लेते हैं। ये देखिए क्या यम्मी लग रहे हैं ये थेपले। ये हमने मेथी की चटनी बनाकर रखी है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और ये मैंने बहुत अच्छे से, आप देखिए बहुत अच्छे पराठे ही बने हैं, पराठे थेपले कुछ भी कहिए आप। ये देखिए सफर के लिए बहुत अच्छे, जीरा आलू कढ़ी, और ये फटाफट बनने वाली है। जो हम कढ़ी बनाते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है पकाने के लिए, बट ये बहुत फास्ट बनती है। जब तक आपका आटा रेस्ट करता है ये बन जाती है। आई होप मुझे मेरी जो वीडियोस हैं ये आपको पसंद आएंगी। अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।